तीन मई को राहुल गांधी ने अमेठी से नामांकन नहीं भरा तो लगा कि अमेठी का सारा चुनावी रोमांच अब रायबरेली शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कल रात अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ के बाद अमेठी के चुनाव ने चर्चाओं में कमबैक किया। दूसरी वजह यह कि अमेठी में बीजेपी पर ब्रेक लगाने का कैंपेन आज से प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में ले लिया है। अमेठी के गौरीगंज में कल रात कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग चल रही थी, तभी कुछ लोग दफ्तर के बाहर पहुंचे। दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गाड़ियां खड़ी थी, उन्होंने डंडे से कारों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। शोर सुनकर कांग्रेस कार्यकर्ता बाहर आए, लेकिन तब तक हमला करने वाले भाग चुके थे। इनके पीछे पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी आकर रुकी। उसके बाद पुलिस वाले भी उसी दिशा में गए जिस दिशा में हमला करने वाले भागे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमलावर बीजेपी के लोग थे और बकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में हमला करने आए थे। पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में तोड़ा गया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये डेमोक्रेसी पर हमला है, स्मृति की बौखलाहट है। कांग्रेस कार्यालय में बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। चार आदमी थे, बीजेपी वाले थे, बाकायदे जरुआ रंग का अंगूठा रखे, आगे पुलिस की गाड़ी आई है, हम लोगों को गाली दिया, बोलता है कि आचार संहिता लगा है, तुम लोगों को मालूम नहीं है, और पीछे से बीजेपी वाले आए, गाड़ी के शीशे तोड़ने लगे। वो तो कहा हम लोग भागे नहीं, मार देते वो लोग हमको। कितने लोग थे? चार पांच लोग थे। वो तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभी पंजीकृत कर दिया गया है रात में ही, और सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनकी पहचान की जा रही है, आवश्यक विधिक कार्रवाई अवल में लाई जाएगी। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा किया, जाम लगाने की भी कोशिशें की। पुलिस ने एक ड्राइवर की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कांग्रेस आरोप तो लगा रही है कि इस हमले के पीछे बीजेपी के लोग हैं, लेकिन उसने किसी एक की भी पहचान नहीं बताई। भाई उनकी विचारधारा के लोग उनके साथ रहे, हमको कोई एतराज नहीं, हमारी विचारधारा के लोग हमारे साथ रहे, वोट मांगे, अपने काम पे मांगे, हम अपने पे प्रचार करें, ये इस तरह। एक तो पहली बात है, इससे हम डरने उड़ने वाले तो नहीं है, ठीक है। बहुत से असम में भी मैं रहा हूँ, तो वहाँ तो और भी खतरनाक स्थितियाँ थी ये, लेकिन ये नुकसान मेरा ये है कि उन्हीं का होने वाला है, तो अमेठी का ये कल्चर नहीं है, यहाँ के लोग यूज तो नहीं है इस तरह की घटनाओं में। ये स्मृति ईरानी हार रही है चुनाव, ये हारने का नतीजा है कि लोग वहाँ स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी की जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी है वो एकदम बौखला गई है, और बौखलाहट में वो वहाँ पर तोड़फोड़ करा रहे हैं, और वहाँ पे पूरी तरीके से राहुल जी के रायबरेली और यहाँ पर किशोरी लाल जी के आने से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक बौखला गई है, पागल हो गई है। बीजेपी का आरोप इसमें उल्टा है, वो कह रही है कि अमेठी में कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, इसीलिए हो सकता है माहौल बनाने और सहानुभूति लेने के लिए उसने खुद ही दफ्तर पर झूठा हमला कराया। कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बार अमेठी का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल है, इसी मुश्किलों को पहचान करके अमेठी छोड़कर के रायबरेली युवराज जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेठी कैसे जीती जा सके, हर प्रकार के डर्टी ट्रिक्स अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। यह कांग्रेस पार्टी सहानुभूति बटोरने का ये जो झूठा स्वांग रच रही है ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र के उत्सव में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव आयोग से मांग करती है कि इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई की जाए, बारीकी से जांच की जाए, और किन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी हैं उनके नाम जरूर सार्वजनिक किए। और कल रात से बड़ी इस गर्मी के बीच आज प्रियंका गांधी अमेठी की कमान संभालने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दिन तक अमेठी रायबरेली में ही वो रहेंगी, लेकिन प्रियंका ने कल की तोड़फोड़ की बजाय अपने उम्मीदवार केहर शर्मा पर बात की। उन्होंने बीजेपी के उन आरोपों का जवाब दिया कि अमेठी में गांधी परिवार ने सरेंडर कर दिया है और केएल शर्मा के नाम पर कांग्रेस को बचे कुचे वोट भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत असभ्य बातें हैं, 40 सालों से उन्होंने यहाँ काम किया है, बहुत असभ्य बातें हैं, और अमेठी की जनता सभ्य है, एक सभ्यता है यहाँ, एक परंपरा है यहाँ, और उसका सबको आदर करना। मौजूदा सीन में अमेठी का मुकाबला इनडायरेक्टली प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी दिखने जा रहा है। 2019 में प्रियंका ने अमेठी में सिर्फ 3 दिन प्रचार किया था, राहुल गांधी 55,000 वोटों से हारे थे, लेकिन स्मृति ईरानी की रणनीति कांग्रेस को अब भी राहुल के नाम पर घेरने की दिखती है। इसकी झलक इस बयान में देख सकते हैं जिसमें वो ना तो हमले पर बोली ना प्रियंका पर बोली, निशाने पर सिर्फ राहुल गांधी थे। राहुल गांधी का ध्यान आकृष्ट कर रही हूं, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं, तो राहुल गांधी को
इस बात की पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में वो कौन कौन है जो उनकी पीठ पर छुरा भोंक चुके हैं और इस बार आतुर हैं कि अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी से खतरा है, ये जगजाहिर बात है। अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार के बस 12 दिन बचे हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि फोकस सिर्फ राहुल गांधी पर रखा जाए ताकि अमेठी और रायबरेली के प्रचार में अंतर ना रहे, एक जैसी हवा बनाई जा सके।